हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने सोचा क्यों ना अपना पूरा मेकअप लुक शूट करने से पहले जो हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं, प्राइमिंग, मॉइस्चराइजिंग, कलर करेक्टिंग, इसे क्यों ना मैं स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक सीरीज़ में एक्सप्लेन करूं। सो आज का फर्स्ट स्टेप मेरा जो हमेशा से रहता है वो है प्राइमिंग एंड देन कलर करेक्टिंग। सो आज मेरे पास है ये थ्री कलर करेक्टर। दीज थ्री ऑल आर फ्रॉम वन ब्रांड, दैट इज़ एल ए गर्ल। फ्ले गर्ल के ये थ्री मोस्ट यूज कलर करेक्टर्स है। फर्स्ट है ऑरेंज, देन है ग्रीन एंड देन है येलो। यही थ्री करेक्टर्स हम यूज़ करते हैं अपने फेस के जो डार्कनेस, रेडनेस एंड जो ग्रे टोन्स है उसे हाइड करने के लिए, उसे कंप्रेस करने के लिए, ताकि जब हम फाउंडेशन लगाए या फिर कंसीलर लगाए वो ग्रे आउट या फिर डार्क ऐसे ना दिखे। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपको आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज एंड प्राइम दोनों करना है। मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ किया है मेरा ऑल टाइम फेवरेट लोटस पाइथो रेंज से वाइटनिंग क्रीम एंड सिलिकन बेस्ड प्राइमर। माय स्किन इज़ अ लिटिल बिट टू दी ऑयलियर साइड, इसलिए मैं ये वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ जो ऑयल फ्री है। ऑरेंज करेक्टर, ऑरेंज या फिर रेड करेक्टर हम यूज़ करते हैं हमारे ब्लू टोन्स को हाइड करने के लिए, यानी कि ग्रे डार्क शेड्स जो होते हैं उसे हाइड करने के लिए। इसलिए हम इसे हमेशा यूज़ करते हैं अंडर आर आईज़। अगर आप एल ए गर्ल का लेते हो तो आपको एक ब्रश भी मिलेगा ताकि आप अप्लाई कर सको। इसे मैं अपने हाइपर पिगमेंटेशन पे भी अप्लाई करती हूँ जस्ट टू गिव मी एन इवन टोन। मेरे आईलिड्स पे भी मुझे काफ़ी डार्कनेस नज़र आती है, आई मीन विजिबल ही है, तो मैं इसे अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई कर लूँ। आप देख रहे हो तो मेरा डार्कनेस अंडर माय आईज़ एंड माय हाइपर पिगमेंटेशन ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो चुका है, हाइड हो चुका है, वो कलर दब चुका है। अब आप इसके ऊपर यूज़ करोगे येलो कलर करेक्टर। येलो कलर करेक्टर यूज़ होता है फेस को ब्राइट करने के लिए। उससे पहले लेट मी शो यू, ये जो ब्लू टोन कलर करेक्टर है इसे आपको यूज़ करना है अपने पिंपल्स पे, बिकॉज आपके जो भी रेड मार्क्स होते हैं अराउंड योर पिंपल्स, इट हेल्प्स टू कंसील एंड हाइड देम। वैसे अभी तो मेरे फेस पे इतने पिंपल्स नहीं हैं, बट या यहाँ पे ग्रीन करेक्टर यूज़ करने के बाद आपको यूज़ करना है येलो करेक्टर ठीक आपके ऑरेंज करेक्टर के ऊपर, ताकि वो आपके फेस को एक ब्राइटन्ड इफ़ेक्ट दे सके। और जहाँ जहाँ पे भी मैंने येलो करेक्टर अप्लाई किया है ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे अपने फेस को ओपन अप करना है, ब्राइटन दिखाना है। तो हल्का सा ही लगाना है बिकॉज़ इस करेक्टर का कवरेज काफ़ी अच्छा है, आपको ब्लेंड करने पे दिख जाएगा। काफ़ी ईजी एंड सिंपल स्टेप्स है यू गाइज, आपको समझना है। ऑरेंज करेक्टर आपको लगाना है आपके डार्क सर्कल्स पे, ग्रीन ऑन योर रेड टोन्स जहाँ पे आपको पिंपल मार्क्स आ जाते हैं, येलो टू जस्ट मेक योर फेस ब्राइटन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा करेक्टिंग एंड कंसीलिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने देन यूज़ किया है ये लूज पाउडर फ्रॉम यूरोप गर्ल। दिस इज़ माय रीसेंट परचेज, वेरी ब्यूटीफुल, डू ट्राई इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इस लूज पाउडर के हेल्प से मैंने अपनी अंडर आईज़ को सेट किया है। इट गिव्स यू मैट फिनिश, वेरी नाइस मैट कवरेज। आप चाहो तो ऐसे ही अपने फेस को सेट करके, यानी कि अगर आप चाहो तो वेरी लाइट लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। मेरा करंट फेवरेट है यही यूरोप गर्ल का। अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, यहीं पे आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे बस आपको बेसिक स्टेप्स एंड गाइडेंस देना था ऑन कलर करेक्टिंग। ये प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड अगर आपको देखना है
कि मैंने इस बेस पे कौन सा मेकअप लुक किया है, तो गो अहेड एंड वॉच माय वीडियो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ डू शेयर। गर्ल्स, आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, वीडियो शेयर कर दो। मैं जल्द ही एक गिव अवे लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।